दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर है? यस सर, थोड़ा सा बस बड़ा लिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखो। ऐसे मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन छोटा ही हो जाता हूँ। ओके, सो एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। सो द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। अरे एक बार दीजिए ना। अरे दे रहा हूँ, घबरा क्यों रही है? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। एक नया यूनिट होगा, दैट इज द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। इस मटेरियल्स पे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पे ऑब्वियसली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की लिविंग, इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के थ्रू सारे प्रॉपर्टीज का एनालिसिस किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे, और जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मैक्सिमम मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के अंतर्गत आ जाता है, एक्सेप्ट वो मटेरियल जो कि बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है। मटेरियल जो है जिसमें ये ऐसे मटेरियल्स को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक पार्ट ऑफ व्यू से डिवाइड करें, तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स को एक मटेरियल होता है, दैट इज आयनिक मटेरियल्स, आयनिक मटेरियल्स, और सेकंड जो आता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। आयनिक मटेरियल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली दैट इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, या वो सॉलिड मटेरियल्स हो सकते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड्स हो, आयनिक बॉन्ड्स हो, जस्ट लाइक AgI। ये आयनिक बॉन्ड तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं वो सब आयनिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, इस प्रकार का मटेरियल जो है वो आयनिक मटेरियल के अंतर्गत। इसको आयनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रॉन, थ्रू आयंस, कंडक्शन, कंडक्शन बाय आयंस। सो इसमें आयंस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो जो भी कंडक्शन का प्रोसेस होना है वो कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो आयनिक मटेरियल्स हैं उसमें आयंस के थ्रू कंडक्शन होता है, उसको आयनिक मटेरियल्स कहते हैं। और बाकी जो मटेरियल्स हैं जिसमें कंडक्शन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, चार्ज का भी इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स, सो द कंडक्शन इज आइदर थ्रू कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। और इन दोनों केस में जो मटेरियल्स होते हैं, इस मटेरियल्स में ऑब्वियसली मोस्टली सॉलिड्स होंगे, हम यहां पर सॉलिड फिजिक्स में या फिजिक्स में पढ़ते हैं, मोस्टली सॉलिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट में लिक्विड वगैरह भी हो जाता है, लेकिन हम लोग लिक्विड या गैस इसको कंसिडर नहीं कर रहे, स्पेशली हम यहां पे सॉलिड को लेकर के चल रहे हैं। और सॉलिड का क्लासिफिकेशन तुम लोग जानते हो, इसमें जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब उसमें एटम्स मोशन में नहीं रहता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहेंगे। और ये सॉलिड के अंतर्गत फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मेटल, दैट मेटल एंड दैट इज नॉन मेटल, विजन से भी रहता है मेटल या नॉन मेटल, एक क्लासिफिकेशन ये होता है। वो मटेरियल्स जो कि प्योरली मेटालिक है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उनको सारे प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, वो मेटल्स के अंतर्गत आता है, और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं वो नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर इसी को और थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये मटेरियल्स हमारे पास फिर आ जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और एक और क्लास स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल होता है जिसको तुम लोग डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हो, और ये सारे जो लोगों ने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि स्पेशली कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक्चुअली इंसुलेटर टाइप ही होता है, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइज होकर के वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है,
ये चार्ज को स्टोरेज को बढ़ाता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक टाइप मटेरियल जो होता है जो स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। सो कंडक्टर प्योरली कंडक्टर है, कंडक्टिविटी के बेस पर होगा। सेमी कंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल होता है, सेमी कंडक्टर है, सेमी मटेरियल है। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है, मैं फंडामेंटल लोगों ने पढ़ा है उसको जस्ट एक ओवरव्यू कर रहा हूं, और उसमें एक बैंड डायग्राम की बात की जाती है, बैंड थ्योरी की बात की जाती है, जिसमें हमारे पास दो तीन बैंड होते हैं, हम लोग एक क्लास इस पे अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हैं कि हाउ दिस बैंड इज फॉर्म्ड। तो दिस इज टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड और इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। तो दो प्रकार के बैंड का कंसेप्ट रहता है, और इनके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को ईजी से डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने जैसे कि जनरल एक एग्जांपल लेकर के, सोडियम का एग्जांपल लेकर के जब सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ रहे थे उस समय हम लोग ये बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं इसको हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स के बेसिस पर डिस्कस किया था। सो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट है, और जब एनर्जी लेवल्स आपस में मिलते हैं तो बैंड्स बनते हैं। तो इस थ्योरी को निल्स बोर के मॉडल्स हम लोगों ने देखा था। सो इन द निल्स बोर मॉडल वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इस फंडामेंटल से जो मैं कैलकुलेशन के दौरान बीच में फिजिक्स यूज करने वाला हूँ, एक ओवरव्यू कर रहा हूँ उसके लिए आज के क्लास में, कि बीच में अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो दिस इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। ये अपने आप में न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि ये सारे जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल होते हैं। सो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने से इसका जो सेंटर है ये सेंटर कोइंसाइड करता है, मींस जो टोटल पॉजिटिव एन ई है और टोटल नेगेटिव एन ई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो एलिमेंट्री वैल्यू है दैट इज ई, सो द टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव एन ई है, टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो एन ई है। ये दोनों जब कोइंसाइड करते हैं एक ही पॉइंट पे आते हैं यहां पर सेंटर पे, तब न्यूट्रल होता है। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऐसे माना जाता है कि जैसे कि स्फीयर होता है, होलो स्फीयर तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, होलो स्फीयर जैसे होता है, उस होलो सॉरी यहाँ पर इसको सॉलिड स्फीयर कहना चाहिए क्योंकि डिफरेंट आर्टिकल्स है, तो जैसे सॉलिड स्फीयर होता है तो उस सॉलिड स्फीयर में जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, होलो स्फीयर में तो सिर्फ सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर होता है उसमें सरफेस के साथ साथ उसके इनर पार्ट में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कहीं पर ज्यादा चार्ज हो कहीं पर कम चार्ज हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में जिस प्रकार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसका जो चार्ज सेंटर होता है वो प्रोटॉन के चार्ज सेंटर से कोइंसाइड करता है, तब जाकर के ये न्यूट्रल होता है। अभी तक जो तुम लोग को पढ़ाया जाता था व्हाय दैट एटम इज न्यूट्रल, एक लाइन पे रटा रटाया जवाब देते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, दिस इज पार्शियली ट्रू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइडेंटिकल है, ओके, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों पास चार्ज जो सेंटर है ये भी कोइंसाइड होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल के केस में वही होता है कि हम जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल होता है, उस डाइपोल में क्या रहता है, डाइपोल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आइडेंटिकल होता है, जैसे डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव वाले सब्सट्रेट को सेपरेट कर दिया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी बराबर होता है, एनी इक्वल टू एनपी, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके बीच ये दोनों चार्ज जो है वो कोइंसाइड नहीं है, चार्ज डेंसिटी में सेपरेशन आ गया, जब इनके बीच में छोटा सा गैप आ जाए इसको डाइपोल कह दिया जाता है, दो पोल क्रिएट होता है या इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट होता है, इस प्रकार का टर्म तुमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ओके। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिया था, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को पाया जाता है दिस इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन लेवल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये निल्स बोर का स्टेटमेंट है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। निल्स बोर के स्टेटमेंट के हिसाब से ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स पे रहता है, और तब तक रहता है जब तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल की एनर्जी के बराबर ना हो। ये जब हम लेजर पढ़ रहे थे उस समय में इस पे डिटेल से डिस्कस किया था, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा, ये डिपेंड करता है कि कहां से कहां पे एनर्जी का ट्रांसफर। और ये जो लेवल्स हैं इस लेवल्स को डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में तीन चार इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पे पढ़े हो, वन इज अबाउस प्रिंसिपल, होन्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस तरह के प्रिंसिपल पढ़ते हो जो प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसमें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एनर्जी के बेसिस पर होता है। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है एक एनर्जी लेवल पर दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन पे होते हैं, एक अपोजिट तरफ होगा दूसरा लोअर की तरफ होगा। तो किसी एक सिंगल एनर्जी लेवल पर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दिस इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लोग s ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो s ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, p ऑर्बिटल को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट p ऑर्बिटल दैट्स इक्वल टू px py pz, मतलब एक px का एक लाइन होगा, py का एक लाइन होगा, pz का एक लाइन होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो p में जो है वो छह इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जैसे दूसरे एनर्जी लेवल तुम लोग डिफरेंट क्वांटम नंबर्स वगैरह भी पढ़े हो, सिंगल फर्स्ट क्वांटम नंबर्स n = 1 में सिर्फ दो s ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे दूसरे नंबर का है s ऑर्बिटल के दो हो जाते हैं और p ऑर्बिटल के 6 हो जाता है, तो ये टोटल फिर ये एक हो जाता है, दिस इज फॉर n = 1, दिस इज फॉर n = 2 एंड सो इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जब आपस में एक सॉलिड की बात करें तो यही एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, और ये एनर्जी लेवल्स मिलकर के ये बॉन्ड बनाते हैं, and this, so this bond is actually the combination of so many energy levels, aur isme valence electrons hote hain jisko log valence band kehte hain, ye khali rehta hai jo conduction band hai, aur ye dono ke beech ka jo gap hai this gap is called energy gap, to ye gap ke basis par hum logon ne classify kiya material ko, to agar hum conductor le rahe hain, if it is conductor then ye jo easy hai this easy is negligible, especially in the case of metal it is taken as equivalent to zero, means ye jo conduction band aur valence band hai wo ek dusre ke sath overlap ho jate hain, so for metal and for a good conductor so this is valence band and this is conduction band, this is CB and this is CB. Conduction band stands for CB stands for conduction band, BB stands for valence band. So इनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं। Means now these electrons, ये जो electrons हैं ये electrons freely movement कर सकता है। Free motion में रहता है। ये electron को इतनी जगह मिल जाती है, इतना free movement मिलता है क्योंकि room temperature में भी अच्छा खासा energy मिल जाता है। So at room temperature that electron gives that energy about 0.25 electron volts. So room temperature में भी about 0.025 electron volts के बराबर energy मिल जाती है, और ये electrons के जितने भी electrons हैं ये electrons moment करते हैं, तो एक collision होता है और ये पूरी तरह से ये freely इस conduction band और valence band में रह जाते हैं, इसलिए इस electron को कहा जाता है this is known as electron gas, एक term use किया जाता है। So in metal or in a good conductor, electrons are so free. In a metal or a good conductor, electrons are, especially in metal, electrons are so free that it can move just like a gas. जैसे gas molecule से freely movement करता है, volatile motion होता है, वैसे electron जो है वो gas की तरह movement करता है। इसलिए इस electrons को electron gas कहा जाता है। अब electron gas है, gas के बीच में movement हो रहा है, collision हो रहा है, तो दो collision के बीच में जो टाइम लगता है उसको कोलिजन टाइम कह देते हैं, दो कोलिजन के बीच में जो पाथ क्रिएट होता है ये रैंडम मोशन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके चले, दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अगर तो रैंडम मोशन कर रहे हैं लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहां से यहां तक आया
दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा करेंगे तो पाथ ऐसा हो गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया पाथ ऐसा हो गया, चौथे इलेक्ट्रॉन से टकराया पाथ ऐसा हो गया, एक रहे का मोशन करते रहे और ये दूसरे से टकराते रहे, टकराने के बाद फिर ये इस प्रकार का प्रोसेस चल ही रहा है। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है या एवरेज डिस्टेंस है उसको कहा जाता है कोलिजन पाथ या फ्री पाथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, so the average distance between two successive collisions is known as free path or mean free path, mean free path. It is sometimes it is represented by delta. So here let's say this is delta 1, this is delta 2, this is delta 3, this is delta 4. So this delta is equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3 and so on, delta n by n, average kar dijiye. So this is mean free path, the average path between two successive collision. Yahan se yahan se takra gaya, yahan se yahan se takra gaya, aise takra gaya, thoda thoda path se change ho sakta hai, and that may be lambda 1, lambda 2, lambda 3. So this is that collision, that is mean free path. अब जो टाइम लग रहा है इस कोलिजन को उसको फिर रिलैक्सेशन टाइम या कोलिजन टाइम कहते हैं। सो एक और टर्म आप लोग यूज कर सकते हैं, दिस इज मीन फ्री पाथ। देयर इज वन टर्म दैट इज नोन एज कोलिजन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, it is represented by tau. This is mean time, this is mean time between two collisions. तो इस प्रकार से रैंडम में हो रहा है। सो दिस इज दैट tau, इट इज इक्वल टू tau 1 plus tau 2 plus tau 3 एंड वन tau n by n, अलग अलग कोलिजन के बीच में अलग अलग टाइम हो सकता है। सो दिस इज दैट मीन टाइम, दिस इज नोन एज कोलिजन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय tau। वेलोसिटी जो होगा इन दोनों का रेशियो होगा और उसको फिर तुम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और स्पेशली जब हम कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर का केस है जिसमें हम इन दोनों को इस प्रकार से फ्री मान करके चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल आप करेंगे। सेकंड जो होगा दैट इज सेमी कंडक्टर, यहाँ पर बैंड गैप की जो वैल्यू होता है दिस इज नेगलिजिबल। इफ दिस This is semiconductor. Semiconductor case में क्या होगा? तुम लोगों ने पढ़ा है था semiconductor के value band gap कितना होता है? 1 to 2 electron volts. Okay, so this is between 1 to maximum 2 electron volts. The maximum एवरेज जो सेमीकंडक्टर जो है 1 से 2 के बीच में आता है, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप 0.7 है, तो दैट इज आल्सो द सेमीकंडक्टर। सो इट्स फ्रॉम 0.1 टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर थर्ड जो रहेगा दैट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर दैट इज दिस बैंड गैप इज इफ दिस इजी हियर here this is it is in range of 0.1 to 2 electron volt silicon germanium, you can write the number. Insulator if this easy it is greater than 2 electron volt. Insulator to be electrically या electronically ions को flow नहीं होने देता, charge को flow होने नहीं देता।
So this is that to the classification of conductor, semiconductor, insulator on the basis of this band gap. ये फॉर्मेशन ऑफ जो बैंड होता है एक ओवरव्यू है, मोटी मोटी जो बात है जिसमें से बताते हैं कि किस प्रकार से होता है इसका डिटेल जो है वो, और हम आगे क्लास में देखते जाएंगे कि माइन्यूटली ये ऐसा प्लेन ऐसे फॉर्म में नहीं रहता है ना, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो सॉलिड के केस में थोड़ा सा वेल डिजाइन होता है और किस किस बात पर डिपेंड करता है हम देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में दिस इज द केस। अगेन डिफरेंट थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वांटम थ्योरी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, सो क्वांटम फिजिक्स में जो चीजें पढ़ाई गई है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंट लेवल्स की जो बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, वो क्वांटम लेवल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे होगा, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर तुमने ध्यान से उस चीज को समझा है तो वो जो चीजें हैं वो तुमको समझ में आएगा, कुछ कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिकल है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी रहेगा है ना, बट मैं जानता हूँ तुम लोग कर लोगे। चलिए सो थोड़ा सा और डिटेल करें कंडक्शन को, जो तुमने 11-12 लेवल पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारा चीज तुमने पढ़ा। सो इफ वी हैव अ कंडक्टर, स्पेशली दैट एक कंडक्टर हम ले लें, सो दिस इज दैट कंडक्टर, मैं ब्लॉक साइज में ले लू, आप सिलेंडर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज अ गुड कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, आप इस साइज को भी ले सकते हो ना, तो डिफरेंट रूप में डिफरेंट दिया जाता है, आप सिलेंडर भी ले सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसका सेम साइज क्या है, इट इज जस्ट द कंडक्टर। सो ही हैव दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, लेंथ, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंट पे, हमने इस पर फील्ड लगाया इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी लगा लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। इस एक इलेक्ट्रॉन पर जैसे हमने ये फील्ड लगाया, ये फील्ड लगा या इसके एक इलेक्ट्रॉन पर ये फील्ड लगा, तो तुम लोग जानते हो कि भाई इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, this is Fe, this is equal to the charge multiplied by E. अब चूंकि अगर कोई आप इस E को नेगेटिव ले रहा है तो that will be with minus sign. यहाँ पर ये जो plus minus जो है that indicates the direction. मैं यहाँ पर direction को include नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ magnitude को लेकर के calculation कर रहा हूँ. Okay. So अगर मैं यहाँ पे minus अगर लिखता हूँ तो that minus will be to indicate the direction. So this Fe it is equal to minus E multiplied by E. अगर इस चार्ज का मास अगर m है तो ऑब्वियसली एक न्यूटोनियन फोर्स भी लगेगा, सो फ्रॉम न्यूटन्स रिलेशन, फ्रॉम न्यूटन्स रिलेशन बट वी हैव दिस f टू इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एंड दिस वन कैन कंपेयर दिस टू, सो द एक्सेलरेशन विल बी a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, this acceleration a is equal to e by m, and I'm taking this minus sign to indicate the direction of acceleration. Electric field is a vector quantity, force is vector quantity, acceleration is vector quantity, and this minus sign giving that the direction of motion. So ek electron pe jaise humne ek field laya electric field, ye electron accelerate ho raha hai, accelerate hone ke baad ye dusre electron se takrayega, aur ye usi prakar se jaise kisi nausikya ko humne bike de diya hai na, अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट कर उसको एक्सीलेटर दबा दिया, एक्सीलेटर दबाएगा तो फिर वो जाकर के किसी दूसरे से टकराएगा, अगर उसको ये कर नहीं आता, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और बाइक वाला यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, अल्टीमेटली एक कॉन्स्टेंट टाइम के बाद जब उसको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा वो एक कॉन्स्टेंट वाला सिटी से मोशन में आ जाएगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसके बाद एक सर्टेन इनिशियल टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में आ जाता है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्स्ट क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है। सो यहां पर इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज लेट्स से vd, सो आफ्टर रैंडम मोशन दिस इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी known as drift velocity. इसको हम लोग drift velocity कहते हैं. और ये drift velocity जो वैल्यू होगा that is which can be calculated by using Newton's first equation of motion. So from Newton's first equation of motion. What is first equation of motion? Newton's first equation of motion. बल बताओ भाई कोई बात जाने जल्दी से. पर जल्दी बोलो सो गए क्या? सर्विस का यू इज इक्वल टू 80 हाफ 80 नहीं भाई हाफ वाला दूसरा वाला है. हाँ पहला वाला बोलो पहला वाला. यू इज इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस 80 यू प्लस 80 यू प्लस 80 यस. सो दिस इज वी इज इक्वल टू यू प्लस 80. दिस इज दैट रिलेशन. अब इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं. सो यू इज जीरो इनिशियल वेलोसिटी में जीरो रखा था अचानक हमने उस पे फील्ड लगा दिया. सो दैट हियर this is 3. So here that initial velocity u is equal to 0. Is collision ke beech mein maine time ko discuss kiya tha that collision time t. T is the collision time. Collision time tau and phi. Phi is actually equal to drift velocity. So this relation can be written as equivalent to this implies Vd is equivalent to A multiplied by tau. Okay, we can put this value here. So this drift velocity Vd can be written as equivalent to minus EEM multiplied by tau. This is equation number 4. So here you can write from equation 3. Vd is equal to minus EEM multiplied by tau. जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें हम करंट की भी बात करते हैं. करंट को डिफाइन करते हैं. सो हियर जैसे कि फील्ड लगाया इलेक्ट्रॉन फ्लो में आ गया. अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो में आ रहा है तो कंडक्टर को करंट जनरेट करेगा. सो दैट करंट so the flowing electron will generate a current. So this current I it is equal to current as defined kiya jata hai. What is current? बोलो जल्दी करंट को डेफिनेशन कैसे देते हैं? व्हाट इज करंट? करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू बाय टी. सो दिस इज टोटल क्यू बाय टी. क्यू बाय डी टी भी लिख सकते हैं तो आप इस मार्क को करेंगे. सो दिस इज क्यू बाय टी या डी क्यू बाय डी टी. अब मुझे यहां पर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल चार्ज साथ ही साथ इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको इसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा. अब टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? लेट अस अज्यूम लेट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है पर यूनिट वॉल्यूम. ये रिलेशन ध्यान में रखना. Vd इक्वल टू कितना है? दिस Vd इट इज इक्वल टू माइनस ऐसे माइनस साइन का भी रखो तो भी चलेगा ना. मैं बाद में माइनस साइन को डाल दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस Q और dQ
दिस इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी दैट इज एन. एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे चाहिए तो उसको वॉल्यूम के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर जो है दिस एन एन इज व्हाट दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम पर एन इलेक्ट्रॉन्स है. अगर मुझे टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो फिर उसको मुझे वहां पे कैलकुलेट करके कितना पड़ेगा. सो दिस इज एन मल्टीप्लाइड बाय ई. ये तो हो गया तुम्हारा चार्ज, लेकिन चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम. ई इज द चार्ज, एन इज द नंबर. नंबर के साथ मैंने ई को मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज हो गया, बट दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम के लिए फिर अब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से. दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ यहां पर मुझे डिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा. सो हियर इन दिस इलेक्ट्रॉन इट इज लेट अस शिफ्टिंग अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स या डी एक्स. अगर डी एक्स के बराबर अगर कोई शिफ्टिंग हो रहा है सो दिस इज डी एक्स, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स. और इस डी एक्स को मुझे मैं कोरिलेट कर सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ. ओके सो दैट velocity this is equal to that is displacement upon this time tau, and this velocity is nothing but drift velocity. ये सब defined है. average हम velocity ले रहे हैं, drift velocity, average collision time ले रहे हैं delta t. so this is dx, this is dx can be written as equal to dt multiplied by tau. या मैं अभी इसको एक बार dt रख के चलता हूँ, no problem. चलिए so this is dt क्योंकि यहाँ तक मैं six mark distance ले रहा हूँ. so dt multiplied by dt. So one can write this is equal to m t multiplied by a, and dx can be written as equal to dt multiplied by dt. Okay, so this dq by dt can be written as equal to m t a multiplied by dt. Okay, so ये थोड़ा सा clear हुआ ना. ये है तुम्हारा total number of this I is going to n e v d multiplied by a. अब ये करंट है और हम जानते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है. हमें यहाँ पर डायरेक्शन को साथ में लेकर के चलना है तो जनरली इस प्रकार के जो इक्वेशन होते हैं उसमें करंट की बजाय करंट डेंसिटी को लिखना पड़ता है. ओके सो दिस j is going to I by a. j is actually a vector quantity. So this is I by A, which is equal to M E V D. V D, V is this drift velocity is a vector quantity. V D की value मैं यहाँ से रख सकता हूँ. अब मैं minus sign को डाल रहा हूँ ना, बार-बार ही minus sign. सिर्फ direction की तो है ना. So this M E इस value को यहाँ पे रख दो. So this Z, that current density, it is equal to N E multiplied by this E E by M multiplied by tau. So this is N E square tau by M multiplied by E. This is Z. Here this is that vector quantity, this vector quantity. Okay, here minus sign will be there. So opposite direction. मतलब electric field intensity opposite direction पे है, तो current की जो value होगा वो opposite direction पे होगा. So this will generate a current, that current density that will be in opposite direction. With when I repeat, I write this with the minus sign. So this n is equal to tau by m, and we have this relation. Since this g is taken as proportional to electric field intensity, and this z is equal to sigma multiplied by e.
here sigma is known as conductivity. ये पढ़ा रही है? J is equal to sigma. याद आ रही है रिलेशन? तो हम लोग शायद ये जो J is equal to N E V D W K S क्या देखा? अच्छा इसके आगे नहीं किया था. Okay. So this J is equal to sigma multiplied by E. ये रिलेशन भी इजीली ड्राइव किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे तो दिस रिलेशन दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन एंड वन कैन ड्राइव दिस रिलेशन. थोड़ा सा फिजिकल पैरामीटर के साथ खेलना सीखो तो ये रिलेशन आ जाता है. ओम्स के अलावा अगर कोई नियम यूज करो और यूज करके इधर उधर दैट रेजिस्टेंस आर 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 तो पढ़े हो रेजिस्टेंस. दिस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया विथ रेजिस्टिविटी रो. हो गया क्या? Yes, sir. Okay, so thanks. So this R is equal to rho multiplied by L by A, and this is that cross section area is A, and the length of this is taken as S. और Ohm's law से क्या होता है? Ohm's law current के साथ कुछ relation बताता है. V is equal to IR. The I is equal to VR. V is equal to IR. Yes. And this B is equal to E by L. It's equal to I multiplied by R. R को हम यहाँ से put कर सकते हैं. So this is E by L multiplied by it is equal to I. And this is rho L by A. B is equal to this is E L. dv by a yeah e is equal to dv by da so b is equal to e multiplied so l cancel ho gaya. So this I by a so I by a is equal to e upon rho and 1 upon rho is nothing but conductivity so I by a is equal to इसको हम आगे लिखते हैं. दिस इज करंट डेंसिटी जे इट्स इक्वल टू 1 अपॉन रो इज सिग्मा ई डिवाइड से ऐसा सर. सो दिस इज दैट रिलेशन. ओके यही आता है बेसिक मेथड आया कि यहां पे पुट करके चार लाइन का कैलकुलेशन है. सो दिस जे इज इक्वल टू सिग्मा ई दिस इज दैट रिलेशन. सो सिग्मा इज इक्वल टू दिस. सो हियर this is sigma the conductivity sigma is equal to n e squared tau by n is it yes n e squared tau by this is the conductivity and resistivity just a reverse so one on the resistivity n e squared tau by n our resistance can be written as equal to m n e squared tau. Sigma is also written as equal to n sigma is equal to n mu e. Sigma type relation ये भी होता है. Compare these two and here mu is known as mobility. इसको mobility कहते हैं. So ये n e को यहाँ से कम कर दो. So this n e is worked out by m is equal to n e mu. एक e कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा. So mu is equal to. So this implies mu is equal to. E tau M. So this is E. Relations है जो तुमको numerical problem solve करने में काम आएगा. So this is E tau by M. This is mobility.
मोबिलिटी इज थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिटी के साथ इसका रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं मोबिलिटी का कंटेंट के साथ इस तरह का रिलेशन। इलेक्ट्रोलाइसिटी का और किसके साथ हम लोगों ने रिलेशन क्या होगा, दिस जे के साथ इलेक्ट्रोलाइसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे तो मिस कर रहे दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सी दैट है कुछ इस तरह का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इसमें ये है ना ये रिलेशन है, उसको डायरेक्टली ऐसा 1 / वीडी नहीं कह सकते। चलिए सो इस पे अपन थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज दैट्स जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और सो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट की वैल्यू किस तरह से होता है सॉलिड पे। सेमीकंडक्टर के केस में इसको हमें दो पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक जो रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा जो रहेगा हमारे पास होल्स होंगे। ओके सो हियर दिस सिग्मा दिस इज फॉर सॉलिड एंड इन सेमीकंडक्टर this n will be for electrons and hole separately, electrons and the hole separately. So this conductivity it is equal to conductivity of electrons and conductivity of hole. And this is sigma, यहाँ पर हम e लेंगे और this is n e mu e multiplied by e plus n p n h and mu h multiplied by e. So this is e n e mu e plus n h. एक बार मैं इसको p से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, इतने फ्री है कि इसका आपस में फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, कहीं कहीं पर इसको नाम दे दिया जाता है दिस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, दिस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है कंडक्टर का किसी सॉलिड का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फ्री मानते हैं कि ये रैंडमली मूवमेंट करता है और आपस में टकराने के बाद फिर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट करता है, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फिजिकल पैरामीटर्स में किस प्रकार का वेरिएशन होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसी होगी, ये अगर इसी चीज को हम इसके लिए अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो ये दो पार्ट में कैलकुलेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा होल के लिए। यहाँ पर आपको इस कंडक्टिविटी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज n e स्क्वायर टाउ दैट इज करस्पोंडिंग टू इलेक्ट्रॉन इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m e, वहां पर मास ऑफ होल m h, ये भी चेंज होगा है ना। सो फॉर इलेक्ट्रॉन दिस सिग्मा e इट इज इक्वल टू n m e मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर मे बी टाउ टाउ मे बी सेम एंड अपॉन दैट m e मास स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है एंड दिस n सिग्मा h इक्वल टू n h e स्क्वायर टाउ बाय m h, ये अलग-अलग दोनों के हम उसको लिख सकते हैं एंड द सम ऑफ एस सम दोनों का सम के बराबर होगा। या सो इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको हम क्वांटम मैकेनिकल शिफ्टिंग करने वाले हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गया जो कि बहुत हद तक ये फैल हो गया था, मेटल मेटल के बारे में थोड़ा ठीक ठाक इसने एक्सप्लेनेशन किया था लेकिन आगे जाकर के सॉलिड की प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। हाँ कोई पार्टिकुलर मेटल कितना अच्छा कंडक्टर होता है तो दूसरा मेटल कंडक्टर नहीं होता है, हाँ तो मेटल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था इसलिए थ्योरी लगभग फैल हो गया। तो बाद में फिर इसको क्वांटम मैकेनिकली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट लेवल्स की बात किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे और उसमें तुम लोगों को जो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन जो लिया था पार्टिकल इन अ बॉक्स
उसकी जरूरत पड़ेगी। और वो कैलकुलेशन एक बार फिर से हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने वो कैलकुलेशन किया और उस पर टेस्ट भी दे लिए हो, है ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सो पार्टिकल इन ए बॉक्स वाला कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे और उसको कहने से उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि ऐसा किसी सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज कैसे होता है। थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मैं डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस वगैरह ड्राइव करूंगा और थोड़ा कैलकुलेशन करवाऊंगा, है ना, तो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन करवाऊंगा क्या, उसमें तो टाइम खींचा जाता है, वो एक बार मैंने डिफ्रेक्शन में देख लिया है ना, चार क्लास डिफ्रेक्शन चला है, कैलकुलेशन तो मैं करने की कोशिश करूंगा लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना, देखते हैं। एनीवेज ओके, थैंक यू, थैंक यू। अरे अटेंडेंस दो ना भाई, कुछ लोगों ने पहले ही दे दिए, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, नहीं दिए नो सर, सब अभी दिए, हां दे दो दे दो दे दिए सर, थैंक यू सर, ओके सर, आप बोलोगे ना सर, इसको तुम लोग ग्रुप में मैसेज डालो, ठीक है, हां उसके बाद फिर डिस्कशन में आई विल टेक पार्ट। यस थैंक यू सर, शायद वैसे मैंने हमारे सपोर्ट में रहना सर, यस 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 आई विल, हां ऐसे लगने लगता है कई बार कि फिर मैं स्टूडेंट को फेवर कर रहा हूं, ऐसा डायरेक्टर सर को ऐसा सर बस एक बार साथ दे दो हमारा, हम जीवन भर आपका साथ देंगे सर। एक तुम लोग किए नहीं थे, मेरे ख्याल से मैं ध्यान आ रहा था एक कल में और क्या क्या हुआ सर, ग्रुप में लॉस होती की है ना उसका और उस जे के साथ कंडक्टर के केस में, हां उससे ज्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं करना, ये सॉलिड के लिए था, वहां पे एक वायर के लिए शायद करवाया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वायर के लिए होता है उसमें।